समर में टैनिंग से बचने के लिए आप सनस्क्रीन लगाते हो, जो भी बॉडी के पार्ट आपके डायरेक्टली सन के एक्सपोज में आता है आप वहां सनस्क्रीन लगाते हो। इसके बाद भी आप अपने फेस को कवर करने के लिए आप स्कार्फ पहनते हो, अपने हैंड को कवर करने के लिए आप स्किन ग्लव्स पहनते हो, इसके बाद भी आप सन ग्लासेस भी लगाते हो, इतना कुछ करते हो, पर अपने पैरों के लिए क्या करते हो? क्या उसे ऐसे ही खुले छोड़ देते हो? वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन शॉपिंग, कैसे हो आप सब? आज की वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। फ्रेंड्स, समर में आप अपने फेस को तो कवर कर लेते हो स्किन स्कार्फ से या स्किन ग्लव से भी आप अपने हैंड को कवर कर लेते हो, ऊपर से सनस्क्रीन भी लगा लेते हो, पर आप अपने पैरों का क्या करते हो? तो आज की वीडियो है यही। आज मैं आपको समर में आपके पास कौन कौन से सॉक्स होने चाहिए ये दिखाऊंगी। आज मैं आपको अपना सॉक्स कलेक्शन दिखाऊंगी। एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि आपके पास कौन कौन से सॉक्स होने चाहिए, चाहे आप पार्टी में जाओ या किसी डे आउटिंग पे जाओ या डेली वियर करने के लिए, तो किस किस तरह के सॉक्स होने चाहिए आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। सॉक्स कलेक्शन मेरे पास, आप कह सकते हो मेरे पास इस समय टोटल 6 to 7 पेयर्स है सॉक्स के, जिसमें से मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जो मुझे लगा कि समर में आपके पास इनमें से एक एक पेयर होने चाहिए, तो मैं आपको वही आज दिखाऊंगी। तो मेरे पास जो फर्स्ट सॉक्स का कलेक्शन है वो है ये इस टाइप के सॉक्स जो एंकल लेंथ में आते हैं, और मेरे पास जितने भी सॉक्स हैं वो सारे कॉटन के हैं एक्सेप्ट वन सॉक्स। और फ्रेंड्स, आपको समर में हमेशा कॉटन का ही क्लॉथ जो होता है या सॉक्स या क्लॉथ भी हमेशा कॉटन वाले ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। तो ये हैं एंकल लेंथ वाले सॉक्स। इसमें आप देख सकते हो मेरे पास दोनों की डिज़ाइन सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। मेरे पास ये 2 पेयर हैं सॉक्स एंकल लेंथ के, जब एक गंदा हो जाता है तो मैं दूसरे का यूज करती हूँ। एंकल लेंथ के सॉक्स एक ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। ये तो एक तो आपके फीट को टैनिंग से, डस्ट और पॉल्यूशन से बचाते हैं, साथ ही ये काफ़ी स्टाइलिश और कैजुअल लुक देते हैं। इस टाइप के सॉक्स को आप जो जूती आती है उनके साथ भी कैरी कर सकते हो, और जो शूज आते हैं स्पोर्ट्स शूज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो ऐसे नॉर्मल शूज आते हैं कहीं पे डे आउटिंग के लिए, मैं अभी आपको पहन के भी दिखाऊंगी किस टाइप के शूज की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके साथ इजीली कैरी कर सकते हो। तो इस टाइप के सॉक्स समर में सबके पास एक होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा और काफ़ी कैजुअल लुक देते हैं। तो जो इस टाइप के सॉक्स आते हैं ये भी पहनने पर कितना अच्छा लुक देते हो, ये इस टाइप के सॉक्स बहुत ही कम्फर्टेबल होते हैं, तो आप समर में आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। अब मैं आपको इसे शूज के साथ पेयर अप करके दिखाती हूँ। एक तो क्या होता है, कम से कम मेरे साथ बहुत स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ तो बहुत होती है, तो इस टाइप के मैं सॉक्स पहनती हूँ। एक तो ये सॉक्स दिखते भी नहीं है, ऊपर से बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, तो आप इसे इजीली किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये सॉक्स बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। दूसरा जो मेरे पास सॉक्स का कलेक्शन है वो है इस टाइप के सॉक्स। ये एंकल लेंथ के सॉक्स नहीं है, ये जो नॉर्मल लेंथ के सॉक्स आते हैं ना वही हैं, और इसमें आपको मेरे ये थंब वाले हैं, इसमें आपको बिना थंब वाले भी मिल जाएंगे, बिना ये उंगली वाले, पर मेरे ये वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसमें भी मेरे पास 2 पेयर है, एक मेरे पास और भी कलर में है जो येलो और ब्लैक में, सेम डिजाइन का है बस कलर का डिफरेंस है। तो मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, ये वाला भी आपके पास जरूर होना चाहिए समर में मुझे लगता है, और थंब वाला भी मुझे लगता है स्पेशली आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो अगर कोई आप स्लीपर पहनते हो या कोई आप थंब वाली सैंडल पहनते हो तो उसके साथ ये थंब वाले सॉक्स बहुत अच्छे से जा सकते हैं, और आप कलर और डिजाइन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और ये वाला भी सॉक्स कॉटन का, मेरे कोई भी सॉक्स आपको नए नहीं है, सारे पुराने, इसलिए थोड़े आपको ऐसे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी यूज कर चुकी हूँ, काफ़ी पहनती हूँ। तो मुझे लगता है इस टाइप के सॉक्स भी आपके पास एक जरूर होना चाहिए, इस तरह के सॉक्स का कलेक्शन भी एक पेयर आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके फीट को टैनिंग से, पॉल्यूशन से, डस्ट से बचाता है, ये साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है अगर आप इसे स्लीपर के साथ कैरी करोगे या किसी ऐसे सैंडल के साथ कैरी करो जिसमें आपको मतलब थंब मिल जाएगा, तो उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लुक। तो देखो इसे पहनने पर कितना अच्छा लुक आता है, और इसकी लेंथ में आपको दिखाती हूँ, ये नॉर्मल लेंथ जो सॉक्स आते हैं वही तक आते हैं, तो इसे आप इजीली किसी भी थंब वाले सैंडल या थंब आता है उसके साथ ही कैरी कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन चूज करते हो, मैंने ये स्ट्रिप प्रिंटिंग वाली डिजाइन मुझे काफी अच्छी लगती है, मतलब एक कैजुअल लुक देती है, तो मैं इसी टाइप के पहनना प्रेफर करती हूँ। जो मेरा सॉक्स का कलेक्शन है वो भी है, ये नॉर्मल लेंथ के जो सॉक्स आते हैं वही है, और ये भी थंब वाला है, पर ये है स्किन कलर में। स्किन कलर का मुझे तो लगता है स्किन कलर के पास सॉक्स तो सबके होने चाहिए, क्योंकि स्किन कलर ऐसा कलर है जो आपके किसी भी शूज सैंडल किसी के साथ भी इजीली पेयर अप हो सकता है, तो स्किन कलर के सॉक्स आपके पास जरूर होने चाहिए। क्या होता है कभी कभी आप किसी पार्टी पे जाते हो और दूसरे कलर का सॉक्स पहन लेते हो तो बहुत ही मिसमैचिंग लगता है और अच्छा नहीं लगता, पर आप स्किन कलर को इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी स्किन से कलर से मैच करेगा और वो बहुत ही और नहीं लगेगा, तो आप स्किन कलर का जरूर आपके पास होना चाहिए।
ये भी मेरे पास थंब का है और ये भी देख सकते हो कॉटन का, इसे भी मैं काफी टाइम से यूज कर सकती हूँ, तो आपको कहीं कहीं रोए निकलने दिख सकते हैं। मेरे पास जो ये नॉर्मल लेंथ के सॉक्स हैं वो सारे थंब वाले हैं, आप जो बिना थंब वाले वाले होते हैं वो भी यूज कर सकते हो, पर मैं जब बिना थंब वाला पहनना होता तो मैं एंकल लेंथ के सॉक्स को चूज कर लेती हूँ, और जब मुझे थंब का पहनना होता तो मैं ये नॉर्मल लेंथ के सॉक्स यूज करती हूँ। तो ये जो नॉर्मल लेंथ के सॉक्स आते हैं इसमें मेरे पास सारे थंब वाले हैं, और एंकल लेंथ वाले जो सॉक्स हैं वो विदाउट थंब वाले हैं। ये वाले जो सॉक्स आते हैं स्किन कलर के, ये तो मतलब समर में सबके पास होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप किसी भी अगर पार्टी में जाते तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि आपके स्किन के कलर से एकदम मैच करता है तो बहुत ज़्यादा ऑड नहीं लगता, और आप इसे किसी भी सैंडल शूज या किसी के साथ इजीली कैरी कर सकते हो। नाउ ये है मेरा लास्ट सॉक्स कलेक्शन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऑल्दो ये कॉटन का सॉक्स नहीं है, और ये मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपके फीट को टैनिंग से बचाएगा, हाँ डस्ट और पॉल्यूशन से जरूर बचाएगा, आपके फीट में गंदगी नहीं लगने देगा, पर हाँ टैनिंग से भी नहीं बचाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये ऊपर से कैसा है। ये नॉयलॉन का है और अल्ट्रा स्लिम, बहुत ही कम्फर्टेबल, आप मतलब समर में आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो, हाँ ये टैनिंग से नहीं बचाएगा पर समर में आप इजीली कैरी कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा कॉटन का, अल्ट्रा स्लिम है मतलब बहुत ही स्लिम है, इसका क्लॉथ बहुत ही स्लिम है और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल होता है इसे वियर करने के बाद। ये नॉयलॉन का है, इसे मैंने amazon.com से मंगवाया था, अगर आपको ये पसंद है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। और आई थिंक ये जो नॉयलॉन के अल्ट्रा स्लिम वाले सॉक्स आते हैं इसमें शायद एंकल लेंथ वाले भी आते हैं, मेरे तो नॉर्मल लेंथ वाले हैं, तो इसमें आपको कई सारे डिजाइन मिल जाएंगे, मतलब ये चीज़ तो सेम रहेगी, नीचे फीट पे आपको ये देखो प्योर मतलब पूरा कपड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नेट मिलेगा, ऊपर आपको डिजाइन मिलेगी, तो इसमें आपको कई वैरायटी के मिल जाएंगे, मतलब डिजाइन सब में अलग अलग होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आपको ये इजीली लोकल मार्केट में भी आई थिंक मिल जाएगा और ऑनलाइन स्टोर पे भी इजीली मिल जाएगा, ऊपर बस आपकी डिजाइन चेंज होगी। फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपको किसी डे पार्टी में जाना है या कहीं जाना है और अगर आप इस टाइप के सॉक्स कैरी करते हो जो मैंने अभी तक दिखाया है, तो वो थोड़ा एक्चुअल अच्छा लुक नहीं देती हैं। आप सोच लो आप बहुत अच्छे से तैयार हो गए हो, हील्स पहन लियो और इस टाइप के सॉक्स कैरी कर लियो, तो कितना बेकार लगता है। तो उस सिचुएशन के लिए ये वाले सॉक्स बहुत ही काम आते हैं। आप किसी भी पार्टी में जाओ, कभी भी जाओ, डेली या कैजुअली या ऑफिस जाते हो, तो उस सिचुएशन के लिए ये सारे सॉक्स तो बहुत ही अच्छे हैं, पर अगर आप किसी पार्टी में जाते हो और आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना है तो उस सिचुएशन में आप इस तरह के सॉक्स ट्राई करो। एक तो ये आपके फीट को गंदे होने से बचाता है, उन्हें पॉल्यूशन से डस्ट से बचाता है, हाँ ये टैनिंग से नहीं बचाएगा, पर अगर आप इसे नाइट फंक्शन में जाते हो तो आप तो मतलब तब तो टैनिंग की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके फीट पे, मतलब आप इसे किसी भी हील्स के साथ, किसी भी शूज के साथ, किसी टाइप के स्लीपर के साथ कैरी कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। मैं भी आपको वियर करके भी दिखाऊंगी, तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और मेरे ख्याल से समर में मेरे पास इसका एक ही कलेक्शन है, बाकी जितने मेरे सॉक्स दिखाए उन सबका मेरे पास दो दो पेयर था, पर इसका मेरे पास एक ही पेयर है, और मुझे लगता है एक ही पेयर सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी पार्टी में जाते हो, और हाँ पर एक पेयर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी पार्टी में जाते हो तो उस टाइप के सॉक्स कैरी करते हो, मान लो आप किसी बड़ी पार्टी में गए और उस टाइप के सॉक्स कैरी कर लिए तो कितना बेकार लगेगा, तो इस टाइप के सॉक्स का कलेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए। सो गाइज यू कैन सी इसे पहनने पे कितना अच्छा लुक आता है, कितना ब्यूटीफुल एंड कितना प्रिटी लुक आता है। आप इसे अगर किसी हाई हील्स के साथ कैरी कर सकते हो तो कितना अच्छा लुक आता है। इसमें आपको और डिजाइन भी मिल जाएंगे, आप जाके चेक करना ऑनलाइन, इजीली आपको और डिजाइन भी मिल जाएंगे, तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप किसी पार्टी में जाना चाहते हो तो इस टाइप के सॉक्स आपके पास जरूर होना चाहिए सफर में। यू कैन सी इसे पहनने पे कितना अच्छा लुक आता है। देखा ना आपने मेरा सॉक्स कलेक्शन। अगर आपकी कोई और भी रिक्वेस्ट है, आप अगर कोई और भी वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।